हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, इसी तरह एक साल व्यतीत हो गया। परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले एक वर्ष से मैं इस छलिये को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुँच कर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले एक वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर श्री कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिया, जब एक वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले एक वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे।